वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिनशान ऑटो भोपाल पर स्वागत है आपका हमारी एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज हमारे पास आ चुकी हैं एक ब्लैक कलर की क्रेटा और एक व्हाइट कलर की क्रेटा। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर हम जो है लैमिनेशन का इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर जो है अभी लैमिनेशन इंस्टॉल करने वाले हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो कारपेट है कुछ इस तरीके का रहता है जो कि कंपनी से आता है और इसके अंदर डस्टिंग हो जाती है थोड़े टाइम बाद, इसके अंदर कीचड़ टाइप की मच जाती है, तो इसको जो है हम सेव करने के लिए लैमिनेशन का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले तो हम इसकी जो है सीटें निकाल लेंगे। सबसे पहले तो हम सीटें निकाल कर और उसके बाद वैक्यूम करेंगे और उसके बाद हमारी लैमिनेशन होगी। क्रॉसओवर नहीं होता, वॉइस ओवर होता है दोस्तों। साथ ही मैम हमारी व्हाइट कलर की जो हमारी कार है जो क्रेटा है, तो दोस्तों यहां पर हम इस कार के अंदर कनेक्टिंग लाइट भी इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, कनेक्टिंग लाइट, और यहां पर आप देख सकते हो अभी जो है हमारा बम्पर खुल रहा है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो ये हमारी जो है लाइट रहती है कनेक्टिंग लाइट, और ये हम हमारी क्रेटा कार के अंदर इंस्टॉल करने वाले है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही हैवी ये लाइट रहती है और इसका जो बैक का आप देख सकते हो ये कुछ तरीके का रहता है। और साथ ही में हम इसके अंदर जो है ग्लास होल्डर, और दोस्तों साथ ही में हम इसके अंदर जो है ग्लास होल्डर इंस्टॉल करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर लाइट भी देखने को मिल जाएंगे आपको और ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है, और इसको भी हम विदाउट वायरिंग कटिंग और सॉकेट टू सॉकेट इसके अंदर फिटमेंट कम्प्लीट कर देंगे। सो दोस्तों वीडियो में बने रहे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों ये सब चीजें जो है हम हमारी क्रेटा कार में इंस्टॉल कर रहे हैं। ये हमारी क्रेटा कार है जो कि बेस्ट मॉडल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इस जगह पे हम हमारी कनेक्टिंग लाइट इंस्टॉल कर देते हैं और जो हमारा ग्लास होल्डर रहता है वो हम इस जगह पर लगाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से इस जगह पर लगने वाला है, इसकी जो है कटिंग होगी और फिर हम इसको लगा देंगे बहुत ही इजीली। और यहाँ पर जो है हमारी लैमिनेशन का वर्क चल रहा है, सो देख सकते हैं आप। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो इसके अंदर जो है हमने सबसे पहले कनेक्टिंग लाइट को लगाने के लिए हमने इसके अंदर जो है कुछ इस तरीके से पार्ट्स निकाल लिए हैं, कुछ इस तरीके से ये खुल जाता है और इसके ऊपर अभी जो है हमारा पैनल लगेगा जो कि हमारा ये पैनल रहता है, जो पैनल हमारे लाइट के साथ आया है वो यहाँ पर लगेगा और फिर उसके बाद हमारी जो कनेक्टिंग टीआरएल लाइट है वो हमारी यहाँ पर लग जाएगी। और साथ ही में इसके अंदर ओआरबीएम भी इंस्टॉल करने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये हमारा रहता है और ये कुछ इस तरीके से हमारा अभी पहले तो इसे खोल लेंगे और ये पूरा का पूरा पीस चेंज हो जाएगा और इसकी जगह जो है हमारा ओआरबीएम लग जाएगा। सो दोस्तों वीडियो में बने रहे, बताइए आप इसकी फिटिंग कैसे करने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस साइड से बोर्ड नट टू नट होते हैं चेक पे और ये कपलर होता है, सॉकेट टू सॉकेट है, यहाँ से हम सप्लाई लेंगे अपने मेन डोर पे जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कोई कटापिटी नहीं है, कपलर टू कपलर है, उस साइड भी कपलर टू कपलर है, कुछ भी कटापिटी नहीं करी अपने। ठीक है, ये हमारा ऑटो मिरर फोल्डिंग का जो है हमारा ORVM रहता है जो कि क्रेटा का ही है, और ये पूरी की पूरी वायरिंग जो है अभी हम इसके अंदर करेंगे और जो कि विदाउट वायरिंग कटिंग रहती है पूरी की पूरी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ORVM का फिटमेंट है वो यहाँ पर कट हो चुका है, यहाँ पर हमारे भैया से पूछते हैं इसका वायरिंग और फिटमेंट कैसा करने वाले हैं। तो भैया आप बताएंगे जरा इसके फिटमेंट के बारे में। पूरा सॉकेट टू सॉकेट होने वाला है इस टाइप से, यहाँ पर जैसे ये रहता है सॉकेट, ये इस टाइप से सॉकेट टू सॉकेट हो जाता है, और ये वाला जो है ये अपना ऑटो फोल्डिंग ORVM का रिले है, और ये वाले दो वायर हैं ये आपके लॉक अनलॉक पे कनेक्ट हो जाएंगे, और ये वाला आपका इग्निशन पे कनेक्ट होगा और एक ग्राउंड जाएगा, और येलो वाला आपका डायरेक्ट बैटरी का रहने वाला। तो भैया कुछ इस तरीके से हम इसके अंदर फिटमेंट और वायरिंग करने वाले हैं, सो वीडियो में बने रहे। यहाँ पर आप देख सकते हो उस साइड की भी हमारी जो है वायरिंग चल रही है, और अभी जो है हम कनेक्टिंग लाइट की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो ये हमारी कनेक्टिंग लाइट जो है उसका भी फिटमेंट है यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो बैक साइड का जो हमारा पैनल था जो कि एसी के साथ आया था वो भी हमने इसके अंदर इंस्टॉल करा है, तो कुछ इस तरीके से इसकी फिटमेंट रहती है। तो यहाँ हमारे जो वायरिंग कर रहे हैं वो यहाँ हमारे अली भाई कर रहे हैं। अली भाई बताना चाहेंगे आप इसके अंदर कैसे वायरिंग कर रहे हैं अपन। जो है इसके अंदर सिर्फ दो ही वायर है, इसके अंदर एक अपना अर्थ का है और एक डायरेक्ट पार्किंग पे जाएगा। तो दो वायर आते हैं इस लाइट के, जो कि एक हमारा बॉडी पे जाएगा और एक जो है पार्किंग पे जाएगा, तो कुछ इस तरीके का इसके अंदर फिटमेंट रहता है, तो वीडियो में बने रहे आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा बेसिक मॉडल में हमारा जो ORVM का जो है प्लेन आता है इस जगह पर, और उसके लिए जो है हम ORVM के लिए हम ये वाला जो है बटन यूज करते हैं, और ये बटन लगाने के लिए हमें ये फ्रेम यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के फ्रेम रहता है जो कि कुछ इस तरीके के इसके
अंदर बटन लग जाते हैं। सो इसको जो है अभी हम अनइंस्टॉल करते हैं और इसकी जगह जो है हम इसको लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ORV का फिटमेंट जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारा जो है पैनल का फिटमेंट चल रहा है, जो कि पैनल के अंदर से हम एक फ्रेम जो है इसके अंदर से लगाने वाले हैं। तो यहाँ हमारी क्रेटा कार का जो वर्क है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर जो है हमने ORVM इंस्टॉल कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने बेहतरीन तरीके से लॉक अनलॉक पे चल रहा है। और ये आप आपकी किसी भी क्रेटा कार में इसको इंस्टॉल करा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कितना बेहतरीन इसका जो है लुक आ रहा है। और अभी जो है करना, सो यहाँ आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ORVM लगाया जाता है। और अंदर की बात करें तो हमने जो है इंटीरियर में इसके अंदर जो है लेमिनेशन करा है, जो कि हमारा लेमिनेशन इसके अंदर हमने फिट कर दिया है। साथ ही में दोस्तों इसके अंदर हमने क्रेटा के प्रॉपर सीट कवर्स लगाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसकी जो है फिटमेंट है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सो बैक में भी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की इसकी फिटमेंट आ जाती है। एंड दोस्तों कुछ इस तरीके का इसके अंदर वर्क हुआ है। दोस्तों अंदर की बात करें तो इसके अंदर जो है हमने कुछ इस तरीके से ये पैनल लगाया है। ये पैनल आप देख सकते हो, ये पैनल से आप जो है तो ये पैनल से जो है हम ऊपर नीचे हमारा मिरर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और ये मिरर जो है लेफ्ट राइट में भी हो जाता है, ये देख सकते हो आप। ये कुछ इस तरीके से मिरर हमारा वर्क करता है, हमारा ORVM दोस्तों देख सकते हो आप। और अभी जो है हम एक्सटीरियर की बात करें तो हमने इसके अंदर जो है हमारी कनेक्टिंग DRL लाइट लगाई थी, वो भी हम आपको इसको ऑन करके दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो कनेक्टिंग लाइट है वो कुछ इस तरीके से एजेस टू एजेस विदाउट कोई स्क्रैच के हमने इसके अंदर फिट कर दी है। अभी हम इसको ऑन करके दिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बेहतरीन लुक आ रहा है इसका। और ये भी अब आपकी किसी भी क्रेटा कार में इसके अंदर इंस्टॉल करवा सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर जो है कोई भी आपको स्क्रैचेस नहीं देखने को मिलेंगे। और अगर आपको भी आपकी किसी भी कार में कुछ इसी तरीका बेसिक टू टॉप मॉडिफिकेशन कराना है तो आपसे नहीं करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।